और ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना। फुले समाज की पूर्णता अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। ऐसे ही इस महान 19वीं सदी के शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले की कहानी विशेष क्यों प्रस्तुत करता है महान नाटक क्रांति ज्योति। क्रांति ज्योति, क्रांति रायगढ़ स्थित समाधि का खोज करने का सबसे पहला कार्य महात्मा फुले को जाता है। यही नहीं, उन्होंने गुरुवारी भूषण किसानों का रक्षण करता छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ओवरा भी लिखा। किसानों का राजा पहला, अहंकारों से जीना पहला, छली के लिए महा छलिया, फलों की पड़ता था पहिया, ओ बचाता प्राण जगत से वो, देना कभी विपद से वो, युद्ध के लिए सदा तैयार, प्रजा क्या पाया प्यार अपार। शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण, शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण, क्या कहे ज्योतिबा फुले शब्द ना मिले, जी जी सावित्री ज्योतिबा फुले। सन 1848 में मेरे पति ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की और उनपे मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे शिक्षा का मार्ग दिखाया। आज हमारी भारत की बेटियां किसी से कम नहीं, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 9 साल की थी और मैं उन्हें प्यार से बचपन में ही संत कबीर के विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। नाना वर्ण एक गाय एक रंग है दूध, तुम कैसे समुन हम कैसे शुद्ध, ये कबीर के दोहे ने मुझे घेर लिया। मानवाधिकारों के ऊपर थॉमस पेन की पुस्तक का भी मेरे ऊपर असर हुआ और मैंने असमानता को विरोध करने का निश्चय किया। इस कार्य में सावित्री ने मेरा दिल से साथ दिया। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी नारी के हमारे भारत में
देना। हाँ जरूर देंगे, पूछो। आज मैं अपने दोस्त के मामा की शादी में गया था, पर वहाँ से मुझे बेदखल कर दिया। ऐसा क्यों होता है पिताजी? शुक्र है तुम्हें मारा तो नहीं। हम जैसे लोगों को उनकी बराबरी करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। तुम्हारे विरोध करने या ना करने से क्या होता है? ये तो समाज की रीत है। नहीं, कुछ तो करना होगा, कुछ जरूर करना होगा। महात्मा फुले ने पुणे में स्थित स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में 1841 में प्रवेश किया और 1847 में स्नातक डिग्री हासिल। उम्र की 22वें साल में खुद की पाठशाला स्थापना करने का मन बना लेते हैं, जो उनके पिताजी को रास नहीं आता। पिताजी बड़े कर्मठ इंसान थे। 1848 में लड़कियों की पहली स्कूल महात्मा फुले द्वारा स्थापित की गई। आज मुझे गर्व है कि हम लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जिस घर पर उपस्थित है वो उस्मान शेख का है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस्मान शेख की बहन फतिमा शेख और हमारी सावित्री बाई जी जान लगा देंगे। फतिमा शेख जो हमारे देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। सावित्री बाई फुले पाठशाला पहुंचने की चाह में जल्दी चलती है। रास्ते में कुछ बच्चे उसे पत्थर और गोबर मारकर भाग जाते हैं। रोते बिलखते कैसे कैसे वह घर पहुंचती है।
जिससे सारा इलाका डरता है। और मैं गया कि मैं हम लोग भेजने आए हैं, हमारा काम भी यही है पैसे लेकर लोगों को हम लोग भेजना। मुझे बात कर, तुम्हें क्या मिलेगा? पूरे 50 रुपए मिलेंगे, 50। ठीक है सावित्री, इन्हें मुझे मारकर उनका भला हो रहा है तो बोले मेरे मरने के बाद भी लड़कियों की पाठशाला चलते रहेंगे। गरीबों और दीन लोगों की सेवा का कार्य रुकने न पाए। हे भगवान, ये मैं क्या करने चला था? देखा, ये शिक्षक है, हमें माफ कर दो। अरे, हम एक शिक्षक की हत्या करने जा रहे थे, इतना बड़ा पाप हमसे हो रहा था। माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। तुम्हें पूछना चाहता हूं, 50 रुपए से कितने दिनों तक गुजर बसर करते रहोगे? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी संतानें भी चोरी करे, डाका डाले? सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ज्योतिराज ने एक